ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। देखिए फ्यूचर टेंस के बारे में इसके चार पार्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस, सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, इसमें इस काल के वाक्यों का हिंदी में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि में प्रयोग होता है। फॉर और सिंस का प्रयोग आपको पता है कि अथवा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। पहला आदत में अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, इस काल के वाक्यों में आई तथा बी के साथ शान है, बी तथा अन्य कर्ताओं या सब्जेक्ट के साथ विल है, बी लगाकर मुख्य क्रिया ही आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम नदी में आधे घंटे तक स्नान कर रहे होंगे तो वी शाल हैव बीन, शाल हैव बीन का प्रयोग हुआ है। बाथिंग इन द रिवर फॉर हाफ एन आवर, तुम प्रातः काल से अपना पाठ याद कर रहे होंगे, होंगे के लिए बताया है आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना। यू विल हैव बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग किया जाता है समय के लिए, ठीक है। तो The boy will have been playing football since 5 o'clock. वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। He will have been waiting for 2 days. आप एक चीज वॉच करें स्टूडेंट्स कि वर्ब में ing का प्रयोग किया गया है। देखिए सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में नॉट प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए काल के नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग शान या वी के बाद हैव बीन के पहले किया जाता है। लड़के 3 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे तो द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। मैं 2 महीने से उसकी सहायता नहीं कर रहा हूंगा, I, मैं के लिए आता है आई शाल नॉट हैव बीन हेल्पिंग हिम फ्रॉम 2 मंथ्स। तुम सायंकाल से नहीं सो रहे हो, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग देयर सिंस इवनिंग, सीधा 10 मिनट से गाना नहीं गा रही होगी, सीधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नात्मक वाक्य। इस काल के प्रश्नात्मक वाक्य में शान या बिल के कर्ता से पहले लिखा जाता है, प्रश्न सूचक शब्द इससे भी पहले लिखे जाते हैं। नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हैव के पहले किया जाता है। क्या हम 8 घंटे से अपना कार्य कर रहे होंगे क्वेश्चन मार्क, शान वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 8 आवर्स। प्रातः काल से आपकी प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा, हु विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वे सोमवार से कहाँ रह रहे होंगे, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, विल हैव दे हैव बीन स्टेइंग सिंस मंडे, स्टे मतलब ठहरना। वह किस नगर में 2 वर्ष से क्यों नहीं रह रहा होगा, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन लिविंग वी टाउन फॉर 2 आवर्स। होमवर्क है आपको इसके सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए 5-5 सेंटेंस, मेक 5 सेंटेंस एंड राइट द नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू सो मच।